लेसन वन इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। इस चैप्टर में हम जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी एंड जो कॉमन टर्म्स यूज्ड होती है अंडर जीएसटी उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी की। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में जुलाई 2017 में। जीएसटी ने काफी सारे स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स जैसे कि वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, इन सबको सब्स्यूम किया था एंड वे आउट बनाया था फॉर अ सिंगल टैक्स अक्रॉस द नेशन। जीएसटी का आना एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप था इंडियन इकोनॉमी में, एज इसने डबल और कैस्केडिंग इफेक्ट जो होता है सेल्स टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे रिमूव किया था, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स में भी रिडक्शन आई। जीएसटी एप्लीकेबल होता है गुड्स और सर्विसेज में। जीएसटी जो आप पे करते हैं परचेज के टाइम पे, उसे आप सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स पेएबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपने जीएसटी पे किया है परचेज के टाइम पे, उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट जो आपने जीएसटी चार्ज किया है एट द टाइम ऑफ सेल। जीएसटी का बैकबोन यही है कि इसमें प्रोविजन होता है सेट ऑफ करने का इनपुट टैक्स अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इनपुट टैक्स क्या है एंड आउटपुट टैक्स। जब एक रजिस्टर्ड डीलर दूसरे रजिस्टर्ड डीलर से गुड्स परचेज करते हैं एंड उस पर जीएसटी पे करते हैं, तो वो उनके लिए हो गया इनपुट टैक्स। एंड वही रजिस्टर्ड डीलर जिन्होंने गुड्स परचेज करे हैं, जब फर्दर उन गुड्स को सेल करते हैं और उस पर जीएसटी चार्ज करते हैं, तो वो होता है आउटपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स यानी कि जितना आपने चार्ज किया है सप्लाईज पे माइनस इनपुट टैक्स यानी कि जितना आपने पे किया है परचेज पे, वो आपका कहलाता है नेट टैक्स पेएबल। तो नेट टैक्स पेएबल होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, एंड नेट टैक्स जो कैलकुलेट होता है इसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म। इसी को नेट टैक्स पेएबल की कैलकुलेशन को अब हम एक टेबुलर फॉर्म में देखते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि एक कंपनी ने 4 एलईडी टीवी परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ 25,000 ईच, तो टैक्सेबल अमाउंट हुआ 1 लाख। गुड्स टैक्सेबल है 18% पे, तो टैक्स अमाउंट आया 18,000 रुपीज। ये हो गया इनपुट टैक्स। इसके बाद कंपनी ने 3 एलईडी टीवी सेल करे 30,000 ईच के हिसाब से, टैक्सेबल अमाउंट 90,000, टैक्स रेट 18% ही है, तो टैक्स का अमाउंट आया 16,200। ये हो गया आउटपुट टैक्स। अब इस स्टेज पे आउटपुट टैक्स 16,200 एंड इनपुट टैक्स 18,000, तो नेट टैक्स पेएबल हुआ 16,200 माइनस 18,000, जो कि आया माइनस 1,800। एज ये वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू है, लेस देन जीरो है, तो इस स्टेज पे अभी हमें गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे नहीं करना। इसके बाद कंपनी ने एक और एलईडी टीवी सेल किया एट द रेट ऑफ 30,000, टैक्स 18% ही है, तो टैक्स का अमाउंट हुआ 5,400। अब इस टाइम पे कंपनी का आउटपुट टैक्स हो गया 16,200 जो पहले था, प्लस 5,400 यानी कि 21,600। नेट टैक्स पेबल हुआ 21,600 माइनस 18,000 यानी कि 3,600। तो आउटपुट टैक्स एट एनी गिवन स्टेज माइनस इनपुट टैक्स एट दैट स्टेज इज योर नेट टैक्स पेबल। अब हम बात करते हैं कॉमन टर्म्स यूज्ड अंडर जीएसटी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटीआईएन की, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। सभी बिजनेस एंटिटीज जो खुद को रजिस्टर कराते हैं अंडर जीएसटी रेजाइम, उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, जिसे कि जीएसटीआईएन कहते हैं। जीएसटीआईएन एक 15 डिजिट यूनिक नंबर है जो कि स्टेट वाइज होता है एंड पैन बेस्ड होता है। जीएसटीआईएन के ये जो 15 डिजिट्स हैं, इनका भी फर्दर अपना एक रेलेवेंस है, इनकी बाइफरकेशन को अब हम समझते हैं। जीएसटीआईएन के पहले 2 डिजिट्स होते हैं आपके स्टेट कोड। फॉर एग्जांपल दिल्ली का स्टेट कोड है 07। यदि आपने दिल्ली से रजिस्ट्रेशन कराया है जीएसटी के लिए, तो आपके जीएसटीआईएन के पहले 2 डिजिट्स होंगे 07। उसके बाद नेक्स्ट 10 डिजिट्स होते हैं आपके पैन कार्ड के, यानी कि आपका पैन कार्ड नंबर होता है। 13th डिजिट होता है नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर आपने कितने रजिस्ट्रेशंस कराए हैं। 14th डिजिट एक डिफॉल्ट डिजिट होता है, एंड 15th डिजिट एक चेक कोड होता है टू डिटेक्ट एरर्स। तो ये कंप्लीट बाइफरकेशन है 15 डिजिट जीएसटीआईएन का। इसके बाद हम बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप की। जीएसटी के अंडर आप डिफरेंट वेज में रजिस्टर करा सकते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स है रजिस्ट्रेशन के, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर डीलर की। मोस्ट ऑफ द एंटिटीज, ज्यादातर जो एंटिटीज जीएसटी के अंडर रजिस्टर होती है, वो रेगुलर डीलर कैटेगरी के अंडर ही फॉल करते हैं। रेगुलर डीलर इंटरस्टेट एज वेल एज लोकल सेल्स कर सकते हैं।
उसके बाद है कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन डीलर वो होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक रेट पे टैक्स पे करना होता है, यानी कि जो टोटल सेल्स है उसका कुछ एक परसेंट उनको 1% या 5% जो भी रेट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स है उस पे उनको टैक्स पे करना होता है एंड वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। कंपोजिशन डीलर में रेगुलर डीलर के कंपैरिजन में फॉर्मेलिटीज काफ़ी कम होती है, लेकिन कंपोजिशन डीलर के लिए ऑप्ट करने के लिए आपका टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से कम होना चाहिए। करंटली वो लिमिट 1.5 करोड़ पे सेट है, तो यदि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो ही आप कंपोजिशन डीलर के लिए ऑप्ट कर सकते हैं एंड ये जो लिमिट है ये चेंज होती रहती है। उसके बाद है UIN होल्डर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ GST रजिस्ट्रेशन जो कि फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन और एम्बेसीज के लिए किया जाता है। बेसिकली जो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन हैं या एम्बेसीज हैं ये लाइबल नहीं होती टैक्स पे करने के लिए इंडिया में, लेकिन यदि उन्होंने कोई टैक्स पे किया है तो वो उनको रिफंड किया जाता है। उसके बाद है गवर्नमेंट बॉडी। गवर्नमेंट बॉडीज जो रजिस्टर होती हैं अंडर GST के वो लाइबल होती हैं TDS डिडक्ट करने के अंडर GST लॉ। वह TDS डिडक्ट कर सकती हैं एट द रेट ऑफ 2% और वो 2% किसका, जो भी उन्होंने पेमेंट मेड करी है सप्लायर को ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज। एंड वहाँ पे ये कंडीशन होनी चाहिए कि टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, यानी कि उस सप्लाई की टोटल वैल्यू फॉर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट, फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्सीड करनी चाहिए 2,50,000 से। उसके बाद है IGST, इंटर स्टेट GST। ये लिवाए होता है इंटर, यानी कि आउटसाइड स्टेट ट्रांजेक्शन आप कह सकते हैं, सेंट्रल की ट्रांजेक्शन कह सकते हैं, एंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद है CGST, सेंट्रल GST। ये लिवाए होता है सभी इंट्रा या फिर आप कह सकते हैं विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन में, लोकल की ट्रांजेक्शन पे, एंड ये कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं SGST एंड UTGST की। SGST इज स्टेट GST एंड UTGST इज यूनियन टेरिटरी GST। यदि आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर फॉल करते हैं तो आप SGST अप्लाई करेंगे एंड यूनियन टेरिटरी के अंडर फॉल करते हैं तो UTGST अप्लाई करेंगे। SGST एंड UTGST बिल्कुल सेम होते हैं तो यहाँ पे हम इसे SGST से ही रेफर करेंगे। SGST जो कलेक्ट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। अब हम डिफरेंस समझते हैं IGST, CGST एंड SGST में। सपोज एक कंपनी है जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, उन्होंने कोई गुड सेल करे दिल्ली में ही, यानी कि विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन है, लोकल की ट्रांजेक्शन है, वो गुड्स टैक्सेबल थे 18% पे। इस केस में कंपनी CGST 9% एंड SGST 9% अप्लाई करेगी, तो टोटल टैक्स रेट है उसका हाफ CGST एंड हाफ SGST में वो अप्लाई करेंगे। लेकिन यही कंपनी अगर आउटसाइड दिल्ली गुड सेल करती, फॉर एग्जांपल उन्होंने हरियाणा में गुड सेल करे एंड गुड जो है 18% पे ही टैक्सेबल है, तो अब कंपनी सिंपली IGST एट द रेट ऑफ 18% उसमें अप्लाई करेंगे, यानी कि सेंट्रल की ट्रांजेक्शन है तो IGST से अप्लाई करेंगे एंड लोकल की ट्रांजेक्शन है तो CGST एंड SGST बोथ आप अप्लाई करेंगे, वो हाफ द रेट में हो जाएंगे, यानी कि टोटल टैक्स रेट वही रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेस या फिर एडिशनल सेस की। सेस एक फॉर्म ऑफ टैक्स होता है जो कि चार्ज किया जाता है एडिशन टू द रेगुलर GST। कुछ एक आइटम्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड आइटम्स होती हैं, ज़्यादातर वो बिलोंग करती हैं लक्जरी या डिमेरिट कैटेगरी की, उन पे सेस अप्लाई किया जाता है। उसके बाद है एडिशनल सेस जो कि अप्लाई होता है सर्टेन आइटम्स पे आफ्टर अप्लाइंग GST एंड नॉर्मल सेस, एंड ये आइटम्स भी कैटेगराइज होती हैं कि इन पर्टिकुलर आइटम्स पे एक लिस्ट होती है कि एडिशनल सेस अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप GST अप्लाई करेंगे, देन सेस एंड देन एडिशनल सेस। उसके बाद हम बात करते हैं इनपुट टैक्स की। टैक्स पे किया है एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स बाय अ रजिस्टर्ड डीलर टू द सेलर ऑफ गुड्स, जो कि वो भी रजिस्टर्ड डीलर है, यानी कि एक रजिस्टर्ड डीलर ने जब गुड्स परचेस करे दूसरे रजिस्टर्ड डीलर से और जो उस पर टैक्स पे किया वो इनपुट टैक्स है। नेक्स्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट वो अमाउंट है इनपुट टैक्स का जो एलिजिबल है फॉर क्लेम फ्रॉम द गवर्नमेंट। पूरा का पूरा इनपुट टैक्स भी आपका क्लेमेबल हो सकता है गवर्नमेंट से, या फिर वो पार्शियली क्लेमेबल भी हो सकता है। वो अमाउंट जो आप गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं इनपुट टैक्स का, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट या शॉर्ट में हम उसे ITC भी कहते हैं, वो कहलाता है। उसके बाद है आउटपुट टैक्स। टैक्स जो आपने कलेक्ट किया है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि एक रजिस्टर्ड पर्सन ने जो टैक्स कलेक्ट किया है ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो आउटपुट टैक्स कहलाता है। इनवर्ड सप्लाई रेफर करता है रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज की। इन जनरल टर्म्स यदि हम बात करें तो GST में जितने भी परचेजेज आपने मेड करी है या सर्विसेज रिसीव करी हैं वो इनवर्ड सप्लाई कहलाती हैं। उसके बाद है आउटपुट सप्लाई। आउटपुट सप्लाई
रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जनरल हम बात करें तो जो भी आपने गुड्स सेल करे हैं या सर्विसेज सेल करी हैं तो वो जीएसटी के अंडर आउटवर्ड सप्लाई कहलाती है। उसके बाद है टैक्स इनवॉइस। ऐसा इनवॉइस जिसमें कि टैक्स चार्ज हुआ है, जिसमें टैक्सेबल आइटम्स है, चाहे वो बी टू बी हो, बी टू सी हो, बेसिकली जिस इनवॉइस में टैक्सेबल आइटम्स है वो टैक्स इनवॉइस है। उसके बाद है बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाता है एक रेगुलर डीलर द्वारा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे और ऐसी आइटम्स पे जो एग्जम्प्टेड है टैक्स से। मतलब कि आपने एक इनवॉइस इशू किया और उसके अंदर ऐसी आइटम्स थी जिन पे टैक्स चार्ज नहीं होना, तो वो बिल ऑफ सप्लाई कहलाएगा। लेकिन ये रेगुलर डीलर के केस में। कंपोजिशन डीलर के केस में हर जो बिल वो इशू कर रहे हैं, इनवॉइस इशू कर रहे हैं, वो बिल ऑफ सप्लाई ही होगा, वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। उसके बाद है बी टू बी ट्रांजेक्शन, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये कैरिड आउट होती हैं बिटवीन टू बिजनेसेस, ना कि एक बिजनेस एंड एक एंड यूजर। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने रॉ मटेरियल परचेज किया दूसरी कंपनी से फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल है बी टू बी ट्रांजेक्शन का। उसके बाद हम बात करते हैं बी टू सी ट्रांजेक्शन की, बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन। ये कैरिड आउट होती हैं बिटवीन एक रजिस्टर्ड डीलर एंड दूसरा एंड यूजर या फिर कस्टमर। एक रजिस्टर्ड डीलर ने जब एंड यूजर या कस्टमर को गुड सेल करे हैं, वो बी टू सी का एग्जांपल है। इसके बाद है बी टू सी एल ट्रांजेक्शन, बिजनेस टू कंज्यूमर लार्ज ट्रांजेक्शन। एक रजिस्टर्ड डीलर ने जब एंड यूजर या कस्टमर को सेल करी है तो वो बी टू सी एल कहलाएगी, उस कंडीशन में कि वो एक इंटरस्टेट सेल होनी चाहिए एंड उसका जो अमाउंट है वो 250,000 से एक्सीड करना चाहिए। उसके बाद है एग्जम्प्ट निल रेटेड नॉन जीएसटी। एग्जम्प्ट सप्लाईज वो होती हैं जो पर्टिकुलरली या फिर आप कह सकते हैं स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट होती हैं जीएसटी से थ्रू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन या अंडर सर्टेन कंडीशंस। निल रेटेड सप्लाईज वो होती हैं जो हमेशा ही 0% पे टैक्सेबल होती हैं। निल रेटेड और एग्जम्प्ट में ये डिफरेंस है कि एग्जम्प्ट मतलब कुछ एक कंडीशंस के अंदर या फिर गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस के द्वारा वो एग्जम्प्टेड है। निल रेटेड मतलब हमेशा ही वो 0% पे टैक्सेबल होंगी, यानी उन पे टैक्स चार्ज नहीं होगा। नॉन जीएसटी सप्लाईज, नॉन जीएसटी सप्लाईज वो होती है जो जीएसटी परव्यू के अंडर फॉल तो नहीं करती, लेकिन उनको जीएसटी रिपोर्ट्स में एज नॉन जीएसटी सप्लाईज रिफ्लेक्ट कराना होता है, यानी कि वो जीएसटी रिपोर्ट्स में शो होती हैं एज नॉन जीएसटी सप्लाईज। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन अंडर जीएसटी ट्रीट की जाती है जीरो रेटेड सप्लाईज में। एक्सपोर्ट जो है वो या तो आप टैक्सेबल हो सकता है या नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल इन केस कि आपने टैक्स पे तो किया है एक्सपोर्टर ने, लेकिन उसका फुल क्लेम जो है, फुल रिफंड जो है गवर्नमेंट से ले लिया। और नॉन टैक्सेबल मतलब कि आपने टैक्स पे ही नहीं किया, उसमें बिल में कोई टैक्स अप्लाई नहीं किया, तो इन एनी केस जो एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन है वो जीरो रेटेड ट्रांजेक्शन ही कहलाती है। उसके बाद है इम्पोर्ट, इम्पोर्ट की ट्रांजेक्शन ट्रीट की जाती है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन की तरह, यानी कि उनमें आईजीएसटी अप्लाई होता है, लेकिन जो इम्पोर्टर है उन्होंने यदि उस पर कोई टैक्स पे किया है, तो इम्पोर्टर ने यदि कोई टैक्स पे भी किया है अलॉन्ग विद बेसिक ड्यूटी, तो वो उसका फुल रिफंड जो है गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम। रिवर्स चार्ज आप टर्म कर सकते हैं एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें लायबिलिटी टू पे टैक्स शिफ्ट हो जाती है सप्लायर ऑफ गुड्स से रेसिपिएंट ऑफ गुड्स पे। जो परचेजर ऑफ गुड्स है उनको टैक्स पे करना होता है अंडर सर्टेन केसेस, जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर कवर होते हैं। RCM या फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जिसे हम कहते हैं, इस पे फुल फ्लेज एक चैप्टर है इस हमारी जीएसटी ट्रेनिंग वीडियोस की सीरीज में, जहां हम इसे डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट है ईवे बिल। ईवे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो कि जनरेट किया जाता है ईवे बिल पोर्टल से। ईवे बिल एप्लीकेबल होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर एनी पर्पस, चाहे वो बी टू बी हो, बी टू सी, एक्सपोर्ट, स्टॉक ट्रांसफर, इम्पोर्ट, जॉब वर्क। सेंट्रल की ट्रांजेक्शन में कोई भी बी टू बी या बी टू सी ट्रांजेक्शन है जो 50,000 को एक्सीड कर रही है, उसके लिए आपको ईवे बिल जनरेट करना होता है। लेकिन लोकल की ट्रांजेक्शंस में हर स्टेट के अपने रूल्स हैं कि कितनी लिमिट जब एक्सीड होगी तो ईवे बिल जनरेट करना है, वो स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। ईवे बिल पे भी अगेन हमारा फुल फ्लेज एक चैप्टर है जहां हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है ई इनवॉइस। ई इनवॉइस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सभी इनवॉइसेस बी टू बी, डेबिट क्रेडिट नोट, एसईजेड, एक्सपोर्ट, एक्सेप्ट बी टू सी इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड किए जाते हैं एंड ऑथेंटिकेट किए जाते हैं डेजिग्नेटेड पोर्टल पे। जब सक्सेसफुली ये ऑथेंटिकेट हो जाते हैं तो एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर IRN नंबर जनरेट किया जाता है, एंड अलॉन्ग विद IRN ईच जो इनवॉइस है वो डिजिटली साइन होती है और उसमें QR कोड भी एडिट होता है।
ई इनवॉइस पे भी हमारा फुल फ्लेज एक चैप्टर है जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्दर इस सीरीज में एक चैप्टर क्रिएट किया गया है। तो इस चैप्टर में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी एंड कॉमन टर्म्स यूज्ड अंडर जीएसटी डिस्कस किया। चैप्टर के एंड पे कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी गई है, आप व्यू कर सकते हैं स्क्रीन पे एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी एंड कॉमन टर्म्स यूज्ड अंडर जीएसटी एकदम क्लियर होंगी। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।